गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ फ्लेमिंगो बुक के 7 लेसन्स 6 पोएम्स आपको मिलेंगी। और ये लास्ट लेसन है आपकी बुक का, 8th चैप्टर है ये, गोइंग प्लेसेस, ये लास्ट चैप्टर है। 7 चैप्टर्स कंप्लीट मैं कर चुका हूँ, 6 पोएम्स कंप्लीट कर चुका हूँ फ्लेमिंगो बुक की। क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने डालना स्टार्ट कर दिए हैं, लेटर राइटिंग भी आपको मिलेगा। और विस्टस बुक के कुछ लेसन्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो ये सब कुछ आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाइए जिससे कि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। और प्लेलिस्ट में जाइए, सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ कक्षा 12 का फोल्डर मैंने बना रखा है, सारे लेसन, सारी पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। आज का हमारा चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, विभिन्न स्थानों पे जाना कल्पनाओं के माध्यम से। और ये A.R. बार्टन के द्वारा लिखा गया है, इज अ मॉडर्न राइटर, ये एक आधुनिक लेखक हैं, हु लिव्स इन ज्यूरिख, जो ज्यूरिख शहर में रहते हैं, एंड राइट्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में लिखते हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस कहानी के अंदर बार्टन एक्सप्लोर्स, खोज करते हैं द थीम ऑफ एडोलसेंस फैंटेसाइजिंग, कि जो किशोरावस्था की जो कल्पनाएं हैं, किशोरावस्था में जो 13 से लेकर 19, 13 से और 19 साल के जो बीच की अवस्था है, वो किस तरह की कल्पनाएं करता है एक लड़का या लड़की, एंड हीरो वर्शिप, और किस तरह से नायक पूजा, किसी मॉडल को फॉलो करने लग जाते हैं या वो उसके सपनों में आने लग जाता है। तो ऐसी कल्पनाओं और नायक पूजा को ले की थीम को लेकर के A.R. बार्टन ने ये लेसन लिखा है, जिसमें सोफी एक लड़की है, मेन हीरोइन है हमारी स्टोरी की, सोफी, जो कल्पनाओं में कभी एक्ट्रेस बनने की सोचती है, कभी पार्लर बुटीक चलाने की सोचती है, और फिर उसको लगता है कि एक फुटबॉल प्लेयर है सीनो कैसी, वो उसके प्रेम में पड़ गया है, और वो उससे मिलने के लिए आएगा सीनो कैसी, जो फुटबॉल प्लेयर है, देखते हैं वो उससे मिलता है कि नहीं मिलता, ये हमको पूरी इस कहानी में मालूम चलेगा। तो कहानी स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर हिट करें, बेल आइकन हिट करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई लीव, सोफी सैड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। व्हेन आई लीव, जब मैं स्कूल ख़त्म करूँगी या जब मैं स्कूल छोड़ूंगी, सोफी सैड, सोफी बोली, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए सोफी ने कहा कि जब मैं स्कूल ख़त्म करूंगी या जब स्कूल छोड़ूंगी, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तो मैं बुटीक खोलने जा रही हूँ, मीन्स मैं बुटीक खोलूंगी, मैं एक पार्लर खोलूंगी। जैंसी लिंकिंग आर्म्स, जैंसी जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था सोफी का, विद हर अलोंग द स्ट्रीट, वो भी उसके साथ साथ गली में चल रही थी, लुक्ड डाउटफुल, उसने संदेहास्पद तरीके से सोफी की ओर देखा। तो जॉनसी जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, लिंकिंग आर्म्स, सोफी का हाथ, तो उसने संदेहास्पद दृष्टि से सोफी की ओर देखा। टेक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट, और वो बोली कि इस तरह का कुछ काम करने में, सॉफ से मतलब या सोफी से है, टेक्स मनी, पैसा लगता है बुटीक खोलने में। जैंसी ने कहा, आई विल फाइंड इट, मैं कर लूँगी, सोफी सैड, सोफी बोली, मैं जुटा लूँगी पैसा। स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, गली में दूर देखते हुए वो बोली, मैं पैसा जुटा लूँगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, इतना पैसा जुटाने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। जैंसी ने कहा कि पार्लर चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, इतना पैसा जुटाने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। बेल, आई विल बी अ मैनेजर देन, फिर वो कह रही है कि ठीक है, पहले मैं मैनेजर बन जाऊँगी। यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद, वास्तव में मैं पार्लर शुरू करने से पहले मैं मैनेजर के रूप में काम करूँगी। टिल आई हैव गॉट इनफ, जब तक मुझको पर्याप्त पैसा नहीं मिल जाएगा, बट एनी वे, लेकिन कोई बात नहीं, आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक, मैं जानती हूँ ये सब कुछ कैसा दिखने वाला है, कैसा लगेगा, ये सब कुछ मैं जानती हूँ। तो वो कह रही है, पहले मैं मैनेजर का काम करूँगी, फिर पैसे जुटा करके अपना पार्लर खोलूँगी।
दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सॉफ सॉफ वो कह रही है एजेंसी कि तुमको वो लोग सीधे सीधे मैनेजर नहीं बना देंगे, किसी भी कंपनी में तुम काम करोगी तो सीधे ही तुमको मैनेजर नहीं बना दिया जाएगा। आई विल बी लाइक मैरी क्वांट, मैं मैरी क्वांट जैसी बनूंगी। सॉफी सैड, सॉफी बोला आई विल बी अ नेचुरल कि मेरे अंदर ऐसी स्वाभाविक योग्यता है, मैं क्वांट मैरी मैरी क्वांट जैसा बनना चाहूंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वो इस चीज़ को शुरू से ही देखेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज़ एवर सीन, मैं इस शहर की सबसे अमेजिंग अद्भुत दुकान खोलने वाली हूँ, खोलूँगी मैं, कि ये शहर देखेगा ऐसी दुकान कभी नहीं खुली, ऐसी मैं बुटीक खोलने वाली हूँ। जैंसी नोइंग, जैंसी जानती है, देवर बोथ, जैंसी नोइंग देवर बोथ ईयरमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, जैंसी जानती थी कि उन दोनों का भाग्य ईयरमार्क्ड, कि उन दोनों के भाग्य में लिखा हुआ है फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री में काम करना लिखा हुआ है। बिकेम मेलंकली, वो थोड़ी उदास हो गई थी ये सोच करके जैंसी, कि जैंसी ने सोचा कि हमारे भाग्य में तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करना लिखा हुआ था। शी विश्ड सॉफी वुडंट से दीज थिंग्स, उसकी इच्छा थी कि सॉफी इस तरह की बात ना करे, बुटीक या पार्लर खोलने की बात ना करे, मैनेजर होने की बात ना करे। उसको पता था कि हमारे भाग्य में तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करना लिखा हुआ है। व्हेन दे रीच्ड सॉफीज स्ट्रीट, जैंसी सैड, जब वो सॉफी की गली में पहुंचे तो जैंसी बोली इट इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स अबे नाउ, अब कुछ महीनों की बात है, सॉफ यू रियली शुड बी, कि तुम्हें वास्तव में सॉफी होना चाहिए, सेंसिबल, थोड़ा सा समझदार होना चाहिए, बस कुछ दिनों की बात है, हमारा स्कूल खत्म होने वाला है, थोड़ा सा तुम्हें समझदार होना चाहिए, ऐसे इधर उधर की बातें मत करो, बुटीक खोलने वाली या फिर मैनेजर होने वाली बात मत करो, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, स्कूल खत्म होने वाला है। दे डोंट पे बैल फॉर शॉप वर्क, दुकान में काम के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, यू नो दैट, इस बात के लिए इसको तुम जानती भी हो। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे पिता कभी तुमको अनुमति देंगे ही नहीं दुकान खोलने की, बुटीक खोलने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि बुटीक में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। और एन एक्ट्रेस, फिर वो कह रही है तो मैं एक नायिका बन जाऊँगी, सॉफी कह रही है, नाउ देयर इज़ रियल मनी इन दैट, कि इसमें तो वास्तव में खूब पैसा मिलता है नायिका के काम में, एक्ट्रेस बन जाऊँगी मैं, यस एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और मैं साइड में अपना बुटीक भी खोल लूँगी, एक्ट्रेस नायिका का काम भी करूँगी मैं, और साइड में मैं बुटीक भी अपना चलाऊंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे, कि जो नायिकाएं होती हैं पूरे समय काम नहीं करती, क्या वो पूरे समय काम करती हैं, एनीवे कोई बात नहीं, दैट और अ फैशन डिज़ाइनर, या फिर मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी, यू नो समथिंग अ बिट सफिस्टिकेटेड, कि कुछ ऐसा काम करूंगी मैं जो सफिस्टिकेटेड होगा, सफिस्टिकेटेड मीन्स डिसेंट, कोई अच्छा काम होगा, शिष्टता भरा हुआ काम करूंगी मैं, एक्ट्रेस बनूंगी या फैशन डिज़ाइनर बनूंगी या बुटीक खोलूंगी मैं, तो कुछ अच्छा सफिस्टिकेटेड मीन्स कुछ डिसेंट काम करूंगी, अच्छा काम करूंगी मैं। एंड सी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन, एंड सी टर्न इन, और फिर वो मुड़ गई थ्रू द ओपन स्ट्रीट, गली में मुड़ गई, ओपन डोर और खुले हुए दरवाजे की तरफ वो चली गई, लीविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और जैंसी को खड़ा छोड़ दिया उसने बारिश में भीगने के लिए। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई अ बुटीक, और वो अब जो सॉफी है वो घर में प्रवेश करते हुए कह रही है कि यदि मेरे पास पैसा आ गया, आई विल बाई अ बुटीक, तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी, मैं एक पार्लर खरीदूंगी, पार्लर चलाऊंगी। इफ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाई अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे घर में घुसते हुए जब वो घर में प्रवेश कर रही है तो उसकी बात को किसी ने सुना है और घर में से अब आवाज आई है, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, कि यदि तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाए, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, यदि तुम्हारे पास पैसा आ जाए, यू विल बाई अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, तो तुम एक अच्छा सा घर हमारे रहने के लिए खरीद लेना, थैंक यू वेरी मच, तुम्हें बहुत धन्यवाद। तो घर में से ये आवाज आई है सॉफी के लिए कि अगर तुमको पैसा मिल जाए तो हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीद देना रहने के लिए। सॉफीज फादर वॉज स्कूपिंग सैफर्ड्स पी इन टू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो,
His plump face still grimy and sweat marked from the day. Sophie's father, Sophie के जो पिताजी थे, was scooping Safford's pee. Safford's pee एक प्रकार का शूप होता है. स्कूपिंग चम्मच से पी रहे थे या खा रहे थे शेफर्ड्स पी इन टू हिज माउथ अपने मुंह में डाल रहे थे चम्मच से एज हार्ड एज ही कुड गो जितना मजबूती से या जितना जल्दी वो डाल सकते थे चम्मच से अपने मुंह में डाल रहे थे हिज प्लम्प फेस उनका मोटा सा चेहरा स्टिल ग्रीमी अभी भी गंदा हो रहा था एंड स्वेट पसीना आ रहा था उनके चेहरे पर मार्क फ्रॉम द डे दिन की जो कठिन मेहनत की थी दिन की जो परिश्रम किया था वो परिश्रम उनके चेहरे पर झलक रहा था कि पसीना आ रहा था और गंदा हो रहा था उनका चेहरा सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्री डोंट सी डैड इस्ट सैड लिटिल डैरक छोटा भाई बोला उसका डैरक सोफी का तो डायरेक्ट बोला सी थिंग्स कि जो सोफी सोचती है मनी ग्रोज ऑन ट्रीज कि पैसा पेड़ों पर उगता है डोंट सी डैड डैड क्या सोफी ऐसा नहीं सोचती लिटिल डायरेक्ट छोटा भाई बोला हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर वो अपने पिता जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे उसके बैक उसकी पीठ से कुर्सी की पीठ से लटका हुआ था डियर मदर साइड उनकी माँ जो थी उसने आह भरी सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक सोफी ने अपनी माँ की पीठ को देखा वो झुकी हुई थी सिंक के ऊपर सिंक जहाँ बर्तन वर्तन धोते हैं एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द डेलिकेट वो विच फासनड हर एप्रन स्ट्रिंग्स एंड वंडर्ड और उसने सोचा आश्चर्यचकित हुई एट द इनकॉन्ग्रिटी इनकॉन्ग्रिटी मीन्स अनमैच्ड कि बेमेल लग रहा था ऑफ द डेलिकेट वो कि जो सुंदर वो एक फूल सा बना हुआ था एक सुंदर गांठ बनी हुई थी बिच फासन और उस गांठ ने बांधा हुआ था हर एप्रन स्ट्रिंग्स उसकी जो एप्रन पहना हुआ था स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स होता है डोरी या धागा एप्रन बांधने की जो डोरी थी उससे गांठ बनी हुई थी डोरी से तो उस गांठ से फूल बना हुआ था एक सुंदर सा डेलिकेट बो सुंदर सा गांठ से फूल बना हुआ था उस फूल को देखा वो बेमेल लग रहा था तो एप्रन होता है जब जैसे डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो ग्रीन कपड़ा पहन लेते हैं सामने की ओर एप्रन ऐसे ही रसोई में जब होता है सैफ या कुक तो वो भी एक सामने ग्रीन कपड़ा लगा लेता है उसको कहते हैं एप्रन तो उसकी माँ ने एप्रन पहना हुआ था और उसकी जो गांठ थी डेलिकेट वो उसकी डोरी की गांठ बनी हुई थी और वो गांठ बेमेल लग रही थी द डेलिकेट सीमिंग वो सुंदर प्रतीत होने वाली गांठ एंड द क्रुक्ड बैक और उसकी झुकी हुई जो पीठ थी उसकी माँ की वो दोनों बेमेल लग रहे थे द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज जो शाम थी उसने पहले से ही खिड़कियों पर अंधेरा कर दिया था एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव और जो छोटा सा कमरा था उसमें धुआं हो गया था स्टीमी फ्रॉम द स्टोव क्योंकि स्टोव जल रहा था उस कमरे में एंड द क्लटर्ड और वो कमरा भरा हुआ था क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग तेज खर्राटों की आवाज़ से मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल मेज़ पर बनियान पहने हुए एक व्यक्ति था वो खर्राटे ले रहा था और खर्राटों से भरा हुआ था वो कमरा एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर और एक कोने में गंदे कपड़े का ढेर लगा हुआ था ये सब कुछ उस कमरे में भरा हुआ था तो शाम हो गई थी अंधेरा हो गया था उस छोटे से कमरे में धुआं भरा हुआ था खर्राटों की आवाज़ थी और एक बनियान पहने व्यक्ति खर्राटे ले रहा था वहाँ पे हैवी ब्रीदिंग जोर जोर से सांसों की आवाज़ कर रहा था और एक कोने में डर्टी वॉशिंग्स गंदे कपड़े ढेर लगे हुए पड़े थे सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रॉट सोफी को अपने गले में थोड़ा कुछ टाइटनिंग कुछ कठोर सख्त सा लगा उस कमरे में सी बैंड टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ वो अपने भाई जॉफ को देखने चली गई तो डायरेक्ट छोटा भाई है उसका और जॉफ बड़ा भाई है तो वो अपने भाई को देखने के लिए चली गई कि जॉफ क्या कर रहा है ही वॉज नीलिंग वो झुका हुआ था जॉफ जो था ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर वो फर्श पे झुका हुआ था इन द नेक्स्ट रूम बगल वाले कमरे में ही टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कार्पेट टिंकरिंग वो मरम्मत कर रहा था टिंकरिंग मीन्स अनावश्यक रूप से मरम्मत कर रहा था विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल अपने मोटरसाइकिल के एक हिस्से की ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कार्पेट चटाई पर उसने न्यूज़पेपर रखा हुआ था और उस न्यूज़पेपर के ऊपर उसने मोटरसाइकिल का एक पार्ट रखा हुआ था उसकी मरम्मत करने में लगा हुआ था
ही वॉज 3 ईयर्स आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल छोड़े हुए उसको 3 साल हो गए थे। एंड अप्रेंटिस मैकेनिक, वो एक मिस्त्री हो रहा था और वो भी अप्रेंटिस में सीख रहा था, अभी वो प्रशिक्षु था। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, दूर शहर के कोने में वो रोजाना काम सीखने के लिए जाता था। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब वो वयस्क हो गया था अब लगभग। एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच सी न्यू नथिंग, और वो उसके जीवन के उन क्षेत्रों पर संदेह करती थी सोफी, अबाउट विच सी न्यू नथिंग, जिन क्षेत्रों के बारे में वो जानती भी नहीं थी, तो वो थोड़ा संदेह किया करती थी अपने भाई के कि ये कहाँ जाता है, इतना टाइम कहाँ पे निकालता है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और जिन क्षेत्रों के बारे में उसके भाई ने भी उसको कभी नहीं बताया कि वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, तो उस पर वो संदेह किया करती थी। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलेंटरीली, कभी भी वो स्वेच्छा से जब बताता था तो थोड़ा बहुत बताता था कि वो कौन से क्षेत्र में जाता है, कहाँ सीखने के लिए जाता है। बर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, उसके मुँह से शब्द बड़ी मुश्किल से प्राइज्ड आउट निकलते थे, लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे मैदान में से पत्थर खोद कर निकालते हैं, ऐसे ही शब्द बड़ी मुश्किल से उसके भाई के मुँह से निकलते थे। एंड सी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वो अपने भाई के शांत रहने से हमेशा ईर्ष्या किया करती थी। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere, जब वो बात नहीं कर रहा होता था तो ऐसे लगता था जैसे कि मानो वो कहीं बाहर है, out there in the world, in those places, कहीं बाहर उन स्थानों पर है, she had never been, जिन स्थानों पर कभी भी सोफी नहीं गई थी, शायद ये कहीं उन स्थानों पर चला गया है। Whether they were only the outlying districts, हो सकता है कि जो ये स्थान है शहर की बाह्य सीमा पर हों, जिन स्थानों के बारे में वो सोचता है, ऑफ द सिटी और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, हु न्यू, कि किसको पता है कि ये उन स्थानों के बारे में सोचता हो जो इस शहर के बाहर ही हों, बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, हु न्यू, कि कौन जानता है कि इस प्रदेश से के चारों ओर का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों के बारे में सोचता हो। तो ये सोफी अपने भाई के बारे में सोचती है कि जो भाई बहुत कम बात करता है, जॉफ, जो मोटरसाइकिल को खोल के बैठा हुआ है, कि ये पता नहीं कौन से क्षेत्रों में खोया हुआ रहता है, और वो संदेह करती है। तो ये लेसन थोड़ा बड़ा है, 2 पार्ट्स इसके मैं तैयार करूँगा, फर्स्ट पार्ट की स्टडी हम कर रहे हैं। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन, उन स्थानों के प्रति एक विशेष आकर्षण था, एक विशेष कल्पना थी उसकी, सिंपली बिकॉज, इसलिए क्योंकि, देवर अननोन टू हर, क्योंकि ये स्थान उसके लिए अनजान थे, एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच, और ये स्थान उसकी पहुंच से बाहर थे। तो जिन स्थानों पर उसका भाई जाता था उन स्थानों पर जाने की वो कल्पना किया करती थी, और ये स्थान उसकी पहुँच से बाहर थे। परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल, वो सोचती थी कि शायद वहाँ भी लोग होंगे, एग्जॉटिक, बिल्कुल अजीब लोग, इंटरेस्टिंग पीपल, रुचिकर लोग, ऑफ हुम ही नेवर स्पोक, ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में कभी भी जॉफ ने बात ही नहीं की थी। इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, ये भी संभव था कि शायद ये जो जॉफ है वो शांत रहता था, एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, और नए फ्रेंड्स वो आसानी से नहीं बनाता था अपने। सी लॉन्ग्ड, उसकी इच्छा थी टू नो देम, उन स्थानों को जानने की और उन लोगों को जानने की जहाँ पे जॉफ जाया करता था। शी विश्ड सी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शंस, उसकी ये इच्छा थी कि उसका भाई उसको गहराई से प्यार करे, स्नेह करे। एंड दैट सम डे, और किसी दिन, ही माइट टेक हर विद हिम, और किसी दिन वो उसको अपने साथ ले जाए, तो ऐसा वो सोचती थी। दो डियर फादर फॉरवर्ड इट एंड जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, यद्यपि उसके पिता ने हमेशा मना किया उसको भाई के साथ बाहर जाने से। एंड जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जॉफ ने भी कभी अपनी राय व्यक्त नहीं की कि वो उसको कहीं लेकर के जाए। सी न्यू ही थॉट हर टू यंग, वो जानती थी कि जॉफ ये सोचता है कि अभी ये बहुत छोटी है। एंड सी वॉज इम्पेशेंट, और वो अधीर थी जाने के लिए, वो जाना चाहती थी शहर के उन हिस्सों में जहाँ पे जॉफ जाया करता था। एंड सी वॉज इम्पेशेंट, और वो अधीर थी। सी वॉज कंसियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर,
वेटिंग फॉर हर, वो जानती थी कि एक विस्तृत संसार बाहर फैला हुआ है जो उसका इंतजार कर रहा है, एंड सी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट सी वुड फील एज एट होम, और वो अपने अंतर्मन में ये जानती थी कि वो घर जैसा ही महसूस करेगी देयर बाहर जाकर भी, एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जो शहर उसका अपना खुद का घर है, बाहर जाकर भी वो अपना घर जैसा ही महसूस करेगी। उसकी ये अंतर्मन के ये विचार थे कि वो अपने भाई के साथ जाए तो बाहर भी वो ऐसा ही महसूस करेगी, घर जैसा ही। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, बाहर के स्थान उम्मीदों के साथ उसके पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, इंतजार में थे उसके कि कभी सोफी आएगी यहाँ पे घूमने के लिए। सी शॉ हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जॉफ, उसने अपने आप को देखा कल्पनाओं में कि वो जॉफ के पीछे बैठ करके जा रही है वहाँ पे। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, जॉफ ने चमकती हुई काली सी लेदर की जैकेट पहनी हुई है, एंड शी अ येलो ड्रेस, और उसने खुद ने एक पीली पोशाक पहनी हुई है, विद अ काइंड ऑफ कैप, एक विशेष प्रकार की पोशाक, दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो पीछे पीछे उड़ करके आ रही है। तो उसने ऐसा कल्पना में देखा कि वो जॉब के साथ पीछे बैठ के जा रही है और इस तरह की पोशाक पहनी हुई है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट दैम, और उनके पीछे पीछे प्रशंसा की आवाज़ थी कि संसार के लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, ऐसी कुछ उसने आवाज़ें महसूस की सोफी ने। ही सैट फ्राउनिंग एट द ऑयली कॉम्पोनेंट, वो गुस्से से बैठा हुआ था, फ्राउनिंग आंखें चढ़ा रखी थी उसने जॉफ ने, एट द ऑयली कंपोनेंट, तेलीय पदार्थ के ऊपर। ही क्रैडल्ड इन हिज हैंड्स, जिस तेलीय पदार्थ को उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, या उस तेलीय पुर्जे को जिसको हाथ में पकड़ा हुआ था उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था वो, एज दो इट वर ए स्मॉल डम एनिमल, जैसे कि मानो ये छोटा गूंगा सा जानवर हो। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, और उसकी इच्छा थी कि ये बोले उसके लिए, ऐसे देख रहा था वो उस पुर्जे की तरफ। आई मैट डैनी कैसी, सोफी सैड, सोफी बोली कि मैं डैनी कैसी से मिली थी, और डैनी कैसी फुटबॉलर है। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली वेयर, जॉफ ने इधर उधर देखा अचानक से, कहाँ मिली थी, इन द आर्केड, फनीली इनफ, कि बस यूं ही मजाकिया तौर पर इन द आर्केड गलियारे में ही मिली थी, गली में मिली मैं उससे। इट इज़ नेवर ट्रू, ये सच्चाई नहीं है। आई डिड टू, मैं भी यही मानती थी, सोफी कह रही है। यू टोल्ड डैड, क्या तुमने डैड को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिली थी, डैनी कैसी फुटबॉलर है ये, काफ़ी लोकप्रिय है। शी शुक हर हैड, उसने अपना सिर हिलाया, चैसन्ड एट इज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, चैसन्ड एट, उसने पश्चाताप महसूस करवाया, चैसन्ड मीन्स फील सॉरी, उसने दुख महसूस करवाया उससे, एट इज अनअवेयरनेस, उसकी इस अज्ञानता के लिए, दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, कि वो पहला व्यक्ति है जिससे मैं अपने रहस्य सबसे पहले शेयर करती हूँ। तो वो ये जताना चाहती थी कि तुम पहले व्यक्ति हो घर के जिससे मैं अपने रहस्यों को शेयर करती हूँ। तो वो कह रहा है आई डू नॉट बिलीव इट, मुझे इस बात में विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी इस बात पे कि तुम डैनी कैसी से मिली थी। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ इन द रॉयसेस विंडो, कि मैं रॉयसेस खिड़की पर कपड़ों को देख रही थी। When someone came and stood beside me, कि कोई आया और आकर मेरी बगल में खड़ा हो गया। And I looked around, मैंने इधर उधर देखा। And who should it be but डैनी कैसी, और देखो कौन होना चाहिए, वो डैनी कैसी ही था जो मेरे पास आकर के खड़ा हो गया। All right, ठीक है, What does he look like, कैसा दिखता है वो, उसने पूछा जॉफ ने। What does he look like, कैसा दिखता है डैनी कैसी। Oh come on, You know what he looks like, कि तुम जानते हो डैनी कैसी कैसा दिखता है। क्लोज टू आई मीन, जॉफ कह रहा है मेरा मतलब है क्लोज टू, नज़दीकी से कैसा दिखता है वो, करीब करीब बताओ मुझे बोल करके वो कैसा है वो। बेल, ठीक है, ही हैज ग्रीन आइज, उसकी हरी आँखें हैं, जेंटल आइज, बड़ी सज्जन आँखें हैं उसकी। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, और जैसा तुम सोचते हो इतना लंबा नहीं है वो। सी वंडर्ड, उसने सोचा, इफ सी वुड शे अबाउट हिज टीथ, कि वो उसके दांतों के बारे में भी कहे, दांतों के बारे में भी बताए। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट,
फिर इसके विरुद्ध सोचा कि दांतों के बारे में नहीं बताती हूँ, चलो मैं। डियर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप। डियर फादर हैड वॉश्ड, उसके पिता नहा लिए थे, व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया, एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी, उसका चेहरा और उसकी अब हाथ चमक रहे थे, एंड पिंक, शाइनी एंड पिंक, उसका चेहरा गुलाबी लग रहा था, एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, अब उसमें से खुशबू आ रही थी साबुन की। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, उसने टेलीविजन चलाया, टॉस्ड वन ऑफ द लिटिल डायरेक्ट शूज फ्रॉम द चेयर ऑन टू द सोफा, और चेयर पर से एक जूता रख पड़ा हुआ था डायरेक्ट का, छोटे डायरेक्ट का, उस जूते को फेंक कर सोफा पे फेंक दिया, एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट, और गुस्से से वो उस चेयर पर बैठ गया जिस पर वो जूता रखा हुआ था। सोफी मैट डैनी कैसी, जॉफ सेड, जॉफ बोला कि सोफी डैनी कैसी से मिली थी। शॉफ रिगल्ड वेयर सी वॉज सिटिंग एट द टेबल, शॉफ जिस टेबल पर बैठी हुई थी वहाँ थोड़ी सी उसने रिगल्ड, थोड़ी सी हलचल की जिससे कि उसके पिता उसकी ओर देखें। हर फादर टर्न्ड हिज हेड, उसके पिता ने अपना सिर घुमाया, ऑन हिज थिक नेक, अपनी मोटी गर्दन के ऊपर, टू लुक एट हर, उसकी ओर देखने के लिए। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन, उसके जो अभिव्यक्ति थी उसके पिता की वो थोड़ी डिसडेन ऐसी थी कि जैसे वो घृणा कर रहे हों। इट इज़ ट्रू, जॉफ सैड, जॉफ बोला कि ये सच है कि ये डैनी कैसी से मिली थी। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, जानता था जो कभी टॉम फिनी से मिला था। हिज फादर सैड रेबरेंटली टू द टेलीविज़न, टेलीविज़न की ओर देखते हुए इसके पिता सम्मान्य तरीके से बोले कि मैं भी एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो टॉम फिनी से मिला था। बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बहुत दिन पहले की बात है। यू टोल्ड अस, जॉफ सैड, जॉफ ने कहा हाँ तुमने हमको बताया था। कैसी माइट बी दैट गुड डे, गुड सम डे, कि कैसी किसी दिन अच्छा हो सकता है। बेटर देन दैट इवन, उससे भी अच्छा हो सकता है। ही इज द बेस्ट, क्योंकि वो सबसे अच्छा है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, यदि वो अपने सिर को अपने कंधों पर रखे। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, यदि उसकी टीम वाले उसका उचित तरीके से देखभाल करें। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ यंगस्टर्स इन द गेम दीज डेज, इन दिनों बहुत सी लालच की चीज़ें होती हैं यंगस्टर्स के लिए, जो छोटे लड़के होते हैं, कम उम्र के लड़कों की लालच के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं आजकल गेम्स में। ही विल बी ऑल राइट, वो ठीक ही होगा। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वो इस देश की अच्छी टीम के साथ में जुड़ा हुआ है, डैनी कैसी। ही इज़ वेरी यंग यट, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, मुझसे तो बड़ा ही है वो। जॉफ कह रहा है कि वो मुझसे तो बड़ा ही है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, लेकिन पहली श्रेणी की टीम में खेल रहा है वो, तो ऐसी टीम के लिए तो वो छोटा ही है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, तुम इस तरह की योग्यता के लिए तर्क नहीं कर सकते हो। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सैड फ्रॉम द टेबल, टेबल पर से फिर सोफी बोली कि वो एक दुकान खरीदने वाला है। हर फादर ग्रिमेस्ड, उसके पिता ने एक बुरा सा चेहरा बनाकर उसकी ओर देखा। वेयर वुड यू हियर दैट, कहाँ सुन लिया तुमने ये कि वो दुकान खरीद रहा है। ही टोल्ड मी सो, डैनी कैसी ने मुझे ऐसा बताया था। ही मटर्ड समथिंग इन ऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, उसके पिता ने कुछ बुदबुदाया, मटर्ड इन ऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, और अपने आप को उस कुर्सी पर समेट लिया। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, कि ये भी तुम्हारी एक काल्पनिक कहानियों में से एक है क्या, कि जो तुम कह रही हो कि वो मुझसे मिला और वो दुकान खरीदने वाला है, वो तो एक नंबर वन प्लेयर है फुटबॉल का, तो ये क्या तुम्हारी काल्पनिक कहानियों में से है। सी मैट हिम इन द आर्केड, जॉब सेड, जॉब बोला कि सोफी उससे गलियारे में मिली थी। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसने बताया कि ये कैसे हुआ उसके साथ, कि वो कैसे और कहाँ मिली। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल, इन दिनों तुम अपनी बातों से, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक
योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल, तुम अपनी बातों से अपने आप को लोड ऑफ ट्रबल, बड़ी समस्या में घसीट लोगी। हर फादर सैड अग्रेसिवली, उसके पिता ने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा कि जिस तरह की तुम बात करती हो अपने आप को बड़ी समस्या में फंसा लोगी। जॉफ नोज इट इज़ ट्रू, जॉफ जानता है ये सच है। डोंट यू जॉफ, क्या तुम नहीं जानते हो जॉफ? ही डोंट बिलीव यू, वो तुम में विश्वास नहीं करता। दो ही वुड लाइक टू, यद्यपि वो विश्वास करना चाहेगा, लेकिन जॉफ को पता है वो तुम्हारी काल्पनिक बातों में विश्वास नहीं करता है। द टेबल लैम्प, अब ये दूसरा सीन आ गया इसी स्टोरी में। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, एक टेबल लैम्प जल रही थी और उससे पीली सी चमक आ रही थी उसके भाई के कमरे बेडरूम में से, और वो उसकी दीवार पर पड़ रही थी उसकी चमक टेबल लैम्प की। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, और ये चमक दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ था यूनाइटेड अमेरिका की जो फर्स्ट नंबर की टीम थी फुटबॉल की, उन प्लेयर्स का भी, उन सभी प्लेयर्स का वहाँ पे चित्र लगा हुआ था, उस पर चमक पड़ रही थी। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स, और एक पंक्ति थी रंगीन चित्रों की बीनीथ इस टीम के नीचे। थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिस प्रोडिज कैसी, और तीनों जो फोटो थे वो उस जवान आयरिस कैसी जो प्रोडिज था, प्रोडिज मीन्स बड़ा इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान कैसी, डैनी कैसी था फुटबॉल प्लेयर, तीन फोटो उसके लगे हुए थे वहाँ पे नीचे। तो ये देखिए यहाँ पे जिस तरह से एक्टर एक्ट्रेस के फोटो लगा लेते हैं 18 से 19 साल के लड़के, 17 18 साल के, ऐसे ही यहाँ पे सीनो कैसी के फोटो लगा रखे हैं किसने, उसने सोफी ने। प्रोमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सैड, सोफी ने कहा जॉब से, वायदा करो तुम ये फोटो के बारे में किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, कुछ भी बताने के लिए नहीं है इसमें। प्रोमिस जॉब डैड वुड मर्डर मी, कि पिता मुझे मार ही देंगे अगर तुमने इन फोटोज के बारे में बता दिया, सीनो के डैनी कैसी के फोटो के बारे में बता दिया तो। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, कि तभी मारेंगे ना जब ये सच्चाई होगी इसमें कुछ। प्लीज जॉफ, कृपया जॉफ मत बताना, वो कह रही है। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, कह रहा है हे भगवान सोफी अभी तुम स्कूल में ही हो। कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, कैसी के पीछे बहुत सारी लड़कियां होंगी, लड़कियों की पूरी एक श्रृंखला होगी। नो ही डजंट, नहीं उसके पीछे लड़कियां नहीं है, ही डजंट, तो वो कह रही है कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा लड़कियां नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, तुमको कैसे पता। ही जियर्ड, उसने उपहास मजाक किया कि तुमको कैसे पता उसके पीछे लड़कियां नहीं है। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, कि उसने मुझे बताया कि कोई लड़की उसके पीछे नहीं है। एज इफ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, जैसे कि मानो कोई ये बताएगा कि उसके पीछे कितनी लड़कियां हैं। जॉफ कह रहा है कि कोई नहीं बताता कि एक लड़के के पीछे कितनी लड़कियां पड़ी हुई हैं। यस ही डिड, हाँ उसने बताया मुझे। ही इज नॉट लाइक दैट, जो डैनी कैसी है दूसरे लड़कों का जैसा नहीं है। ही इज क्वाइट, वो बड़ा शांत है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपारेंटली, कि उतना भी शांत नहीं है जितना वो बाह्य रूप से दिखता है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ, जॉफ ऐसी बात नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, कि पहले मैं बोली थी उससे, वो तो बात भी नहीं करना चाह रहा था, लड़कियों से बात भी नहीं करता, कि पहले मैं बोली थी उससे। वैन आई सॉ हु इट वॉज, जब मैंने उसको देखा और पूछा कौन हो, आई सैड, मैं बोली एक्सक्यूज मी बट आरेंट यू डैनी कैसी, मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ करना क्या तुम डैनी कैसी हो। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। एंड ही सैड यस दैट्स राइट, और वो बोला हाँ तुम सही कह रही हो। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, और मैं जानती थी कि ये वो वही है, मैंने उसको एक्सेंट उसके बोलने के तरीके से पहचान लिया था। एक्सेंट मीन्स उसके बोलने के लहजे से पहचान लिया था। यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न, जब उसका इंटरव्यू लिया गया था टेलीविज़न पर, जिस तरह से उसने इंटरव्यू दिया तो बोलने के तरीके से मैं उसको पहचान गई थी कि ये डैनी कैसी है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डैरक, फिर मैंने अपने छोटे भाई डैरक के लिए उससे ऑटोग्राफ मांगा था। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास ना तो कागज़ था ना पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, फिर हमने थोड़ी बहुत बातें की
अबाउट द क्लॉथ्स इन द रॉयसेस विंडो, रॉयसे की खिड़की में जो कपड़े थे उन कपड़ों के बारे में बात की। ही सीम्ड लॉनली, वो मुझे बिल्कुल अकेला लगा कि कोई लड़कियां नहीं थी उसके साथ। आफ्टर ऑल इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द बेस्ट आयरलैंड, कि वो बेस्ट आयरलैंड जो है पश्चिमी आयरलैंड यहाँ से बहुत दूर है। एंड देन, और फिर जस्ट एज ही वॉज गोइंग, जब वो जा रहा था, ही सैड, वो बोला, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, यदि वो मुझसे मिलना चाहे, उसने मुझसे कहा कि यदि वो मुझसे मिलना चाहे, सोफी से कहा, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ते, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, अगले सप्ते वो मुझे ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, और वास्तव में मैंने कहा हाँ मैं मिलना चाहूँगी। एज इफ ही वुड एवर शो अप, जैसे कि वो मुझे दोबारा दिखेगा तो मैं उससे मिलना चाहूँगी। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, अब तुमको मुझ पर विश्वास है, क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है, अपने भाई से बोली वो। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, जॉफ ने अपनी जैकेट खींची, विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, जो चमकदार थी लेकिन आकृति भीहीन हुई पड़ी थी। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, चेयर पर से अपनी जैकेट खींची उसने, एंड पोस्ट हिज आर्म्स इन टू इट, और अपने जैकेट को पहना उसने। शी विस्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपियरेंस, उसकी इच्छा थी कि उसका भाई अपने चेहरे पर थोड़ा बहुत ध्यान दे। विस्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लॉथ्स, उसकी इच्छा थी कि अपने कपड़ों पर भी वो ज़्यादा ध्यान दे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो लंबा सा था, काला चेहरा था। हैंडसम सी थॉट, वो सोचती थी कि सुंदर है लेकिन अपने कपड़े पर और चेहरों पर ध्यान दे, ये जो जॉफ है उसका भाई। इट इज़ द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सैड, जॉफ बोला, ये सबसे अनलाइकलीस्ट, बड़ी अजीब चीज़ है जो तुमने मुझे बताई है कि तुम डैनी कैसी से मिली थी, उससे बात हुई थी, मुझे ये बात पच नहीं रही है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट वन फिनिश होगा ऑन सैटरडे, यहाँ से हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ, पार्ट सेकंड यहाँ से स्टार्ट होगा, बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे लेसन्स मिलेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल लेसन है और बाकी के लेसन बड़े आसान हैं। बने रहिए मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप मेरे साथ बने रहे।